हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं समीर जी के स्टडी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड कैसे निकालें अपने मोबाइल से ही। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन घंटी आएगी उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एयरटेल थैंक्स ऐप में चले जाना है। चलिए एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको लिंक कर लें अपना बैंक अकाउंट। अकाउंट लिंक करने के बाद में दोस्तों, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक या दो सेकंड का इंतज़ार करना है। आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, मैनेज वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया, ये दिया गया। इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद में अब आपको किस पर क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है एक बार। तो दोस्तों, किस साइड से करना है, ये ऊपर साइड से एरो दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है एक बार। क्लिक करने के बाद में और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद में यहीं पर हमारा आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, नाम, बैलेंस सब कुछ चेक हो जाएगा। तो दोस्तों, सब बता देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा बैलेंस दिखा रहा है, ये अकाउंट मतलब नाम दिखा रहा है, ये अकाउंट नंबर होता है जो मोबाइल नंबर है, और दोस्तों ये दिया गया है आईएफएससी कोड के नीचे को, आप देख सकते हैं ये दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आईएफएससी कोड अपने पेटीएम मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।